हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा द नाउन। सबसे पहला, व्हाट इज नाउन? अब नाउन क्या होता है? हमारे पास में नाउन की एक बहुत ही प्लेन सी डेफिनेशन है, द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज नोन एज नाउन। मैम, यही तो नाउन की डेफिनेशन होती है। जी हाँ, नाउन की डेफिनेशन तो यही होती है, लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। इस बात के बाद में बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग सी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मैम, मुझे एनजाइटी होती है, तो एनजाइटी नाउन है कि नहीं है? फिर मैम, मुझे मेरे हाथ से ग्लास ब्रोक हो गया, तो वो ब्रेक होना नाउन है या नहीं है? फिर इस तरह के अलग अलग से डाउट्स आते हैं। इसीलिए जैसे हमारे पास में नाउन, जब हमने एक प्रॉपर सी डेफिनेशन दे दी, उसके अलावा भी सिंपल सी चीज़ है कि नाउन हमारा कवर करता है हमारी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, एनिमल को, पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड प्लेस को। अब यहाँ पे हमारी जो चार चीज़ें बेसिक थी, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग, ये तो सारी यही हैं। बस ऐड क्या हुआ है? हमारी कोई ना कोई फीलिंग या फिर हमारा कोई ना कोई आइडिया, राइट? ये आइडिया आप किसी भी तरह का आइडिया आपके पास में यहाँ पे आ सकता है। सो बट अल्टीमेटली हम इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि हम एक नाउन बहुत ही प्लेन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसकी डेफिनेशन के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो नाउन हमारे साथ में यही रहेगा, अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द पर्सन प्लेस एनिमल थिंग और आइडिया इज नोन एज नाउन। एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास में नाउन होते कितने तरह के हैं? हमारे पास में नाउन अथाह तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैम, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं बुक्स में, आप तो हमारे डाउट्स क्लियर करो। हमें ये बताओ कि हमें कोई वर्ड पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि इसका नाउन, ये किस टाइप का नाउन है हमारे साथ में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। एग्जैक्टली, हम उसी पे काम करेंगे जहाँ पे आपको परेशानी आती है। हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन से। अब हमेशा से जब भी इंग्लिश में कोई भी चीज़ें पढ़ो, तो उसे पढ़ो कहाँ से? उसे पढ़ो उसके नाम से। आपका नाम अगर मैं कहूँ, तो आपके बारे में इंसान सब कुछ बता देगा, या आप क्या हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में जाते हैं, किस कॉलेज में जाते हैं, क्या उम्र है, ये सारी चीज़ें आपके नाम के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इसी तरह से हमारे नाउन के साथ में सारी के सारी चीज़ें एसोशिएट हो जाती हैं। कैसे? सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जब हम किसी भी चीज़ की प्रॉपरली बात कर रहे हैं, हमें अपना फोकस बिल्कुल एक ही जगह पे रखना है, किसी भी अलग अलग चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है, या किसी भी दो चार चीज़ों को मिला करके बात नहीं करनी है। जब हम किसी भी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रॉपरली, उस चीज़ को कहते हैं प्रॉपर नाउन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा दिस पेन। नाउ दिस पेन, इट इज़ दिस लॉन्ग, इसका ब्लैक टॉप है, इसमें ये स्मार्ट बोर्ड पे काम कर रहा है, इस तरह से। सो व्हाट इज दिस? दिस इज़ आवर प्रॉपर नाउन। ओ, दैट हाउस इन माई कॉलोनी, इट इज़ सो बिग, इट इज़ ऑफ पिंक कलर, इट हैज़ सो मैनी पीपल, इट हैज़ सो मैनी कार्स पार्कड इन फ्रंट ऑफ इट। सो ये सारा हमारा कहाँ चला जाता है? प्रॉपर नाउन में। और इस हमारे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन हो जाता है? ये सेंटेंस हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है ना, दैट पिंक हाउस। दैट पिंक हाउस इज नथिंग बट हमारा प्रॉपर नाउन। तो यही चीज़ हमने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में चंदर, कलकत्ता, इंडिया, द गंगा, द गीता, ये सारे कौन हो गए? ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। एज आई सेड अगेन, जब हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉपरली उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। दैट इज़ दूसरा टाइप हमारा क्या है? दैट इज़ कॉमन नाउन, अ कॉमन थिंग, जिसके जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, दैट इज़ नोन एज कॉमन नाउन। अगेन, इसको हम नाम के साथ में एसोशिएट करें। सो कॉमन, ओ दिस इज सो कॉमन, लाइक आई इज कॉमन सेंस, जोक्स अपार्ट, कॉमन, कोई भी चीज़ बहुत कॉमन होना। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, ग्लास, टाउन, किंग, बुक, रिवर, कंट्री, एक्सेट्रा।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि इंडिया हैज़ सो मेनी रिवर्स, सो रिवर्स कौन सा नाउन हो गया हमारे यहाँ पे? रिवर हमारा हो गया यहाँ पे कॉमन नाउन. वाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रॉपरली किसी एक रिवर के बारे में बात की. डिड आई सेट द गंगा, द यमुना, द सरस्वती? नो, ऑल आई सेड इज नथिंग बट इंडिया हैज़ सो मेनी रिवर्स. सो रिवर हमारा नाउन तो है, बट किस टाइप का नाउन है? ये कॉमन नाउन है. एग्जैक्टली. अब आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक, अगला टाइप जो है हमारा यहाँ पे, दैट इज कलेक्टिव नाउन. नाउ कलेक्टिव, क्या कलेक्टिव इस वर्ड को हम कलेक्शन यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं? कलेक्शन मिक्सचर, ग्रुप, मिला हुआ, दैट इज़ वॉट अ कलेक्शन. सो कलेक्टिव नाउन हमारा होता क्या है? एक ऐसा नाउन जब हमारे पास में ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही हो, ग्रुप ऑफ आइडियाज़ की बात हो रही हो, ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ फीलिंग्स, ये सारा का सारा हमारे पास में क्या आ जाता है? ग्रुप बन जाता है, एंड हैंस इट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन. जैसे आर्मी, क्लास, होस्ट, जूरी एक्सेट्रा. जूरी किसी भी शो को जज करने के लिए जजेस बिठाए जाते हैं, जूरी बिठाई जाती है. सो व्हाट आर दे? दे आर अ बेंच ऑफ पीपल. कोर्ट में जस्टिस लेने के लिए कभी भी बेंच ऑफ पीपल होता है. किसी भी तरह का आपने एग्जांपल सुना हो कि ये बिल पास हुआ, आर्टिकल 370 पास हुआ, किसी भी तरह का बिल पास करने के लिए एक बेंच ऑफ जस्टिस बैठे थे. सो व्हेन वी से अ बेंच ऑफ जस्टिस, दैट क्लियरली डजंट मीन कि एक बेंच रखी हुई थी और उसके ऊपर एक जस्टिस बैठा था. नो 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 नो. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेंच ऑफ जस्टिस, वी हैव मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पीपल, एंड हेंस दे बिकम अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर टेकिंग डिसीजन विथ म्यूचुअल कंसेंट. इन फैक्ट दे आर टेकिंग डिसीजंस बाय लॉज. सो यहाँ पे हमारा किस तरह से जूरी एक कलेक्टिव नाउन में आ जाता है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया. यहाँ पे हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं. मैं फिर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी टीम आपके सॉल्यूशंस पे काम कर सके और आपको चीज़ें और ईजीली एक्सप्लेन कर सकें. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू पीपल आउट. राइट, अगला टाइप हमारा आता है मटेरियल नाउन का. नाउ व्हाट इज मटेरियल नाउन मैम? मटेरियल नाउन, इसको लेमैन्स लैंग्वेज के साथ में कनेक्ट करें. व्हाट इज मटेरियल? कोई मटेरियल मतलब हमने आज तक कई बार कपड़ा देखा है अलग अलग तरह का, कोई चीज़ जिसका फील कैसा आ रहा है वो देखा है हमने. मखमल का कपड़ा बहुत ही नरम नरम सा होता है, बेंच बहुत ही सख्त होती है, हथौड़ा एक जोर से हाथ पे पड़ेगा तो बहुत जोर से लगेगी. मटेरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल. नाउ व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? मटेरियल हमारा, हमें एग्जैक्टली इसी पे कनेक्ट करना है. मटेरियल मतलब कोई चीज़ कैसा हमें फील देती है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, नहीं है, क्या है, दैट इज़ व्हाट मटेरियल नाउन इज. नाउ इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास में क्या आ जाता है? आ जाता है वुड, क्ले, रबर, सिल्वर, गोल्ड और क्लोथ. सिल्वर, गोल्ड और क्लोथ, ये तो बहुत समझना इजी है. वुड, क्ले, रबर, ये कैसे आ सकते हैं हमारे पास में? एज आई अगेन सेड मटेरियल. ये कहा जाता है कि पीओपी का काम हो रहा है घर पे, या फिर फर्नीचर का काम हो रहा है, प्लाई का काम हो रहा है. व्हाट इज दैट? दैट प्लाई इज द नाउन, एंड व्हिच टाइप ऑफ नाउन इट इज? इट इज अ मटेरियल नाउन. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट टाइप ऑफ नाउन जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब मैम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा वो नाउन है विच इज एन आइडिया, विच इज अ फीलिंग. एग्जैक्टली, एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन वो चीज़ें हमें महसूस हो सकती हैं, एंड दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में क्या आ जाता है? लव, ट्रुथ, फेथ. भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा भक्ति होती है. क्या हम बता सकते हैं कि क्या हम
कोट कर सकते हैं या लिख के बता सकते हैं कि हमारे भगवान के ऊपर कितना भरोसा है, क्या ये हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. बट दैट इज इन फीलिंग. आई हैव फेथ इन गॉड, आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन गॉड. सो वॉट इज दैट? दैट इज नथिंग बट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो अब आई होप हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये कोशिश की होगी कि आपको टाइप्स ऑफ नाउन समझाने की, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे या आपको सिर्फ ये चीज़ें रटनी ना पड़े कि कैसे हमारा नाउन किस कैटेगरी में कहाँ डिवाइड होता है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आज चीज़ें यहाँ सिर्फ रटवाने नहीं, आपको याद करवाने के लिए आई हूँ, उसी तरह से हमारा, आई होप मैंने आपको इस जर्नी में साथ दिया होगा. आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ है. आगे चलते हैं कि भाई मैम, ये तो आपने हमें टाइप्स बता दिए, लेकिन इनको हमने और डिटेल में भी कई जगहों पर देखा हुआ है. कैसे? हमने यहाँ पे देखा हुआ है नाउन को अलग अलग जगहों पे, बिहेवियर ऑफ द नाउन्स पे. अब बिहेवियर ऑफ द नाउन होता क्या है मैम? इस बिहेवियर ऑफ द नाउन को हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पे. ये कैटेगरीज इन टोटल काफ़ी सारी हैं. आइए देखते हैं कौन सी कैटेगरी कहाँ जा रही है. सबसे पहला ग्रुप वन. ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे नाउन्स विच आर यूज्ड इन द प्लूरल, ऐसे नाउन को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है जो कि जिन नाउन्स को सिर्फ और सिर्फ प्लूरल्स में यूज किया गया है, जैसे वेजेस, जैसे रिचेस, जैसे प्रिमाइसिस. नाउ प्रिमाइसिस, दिस एस इन द लास्ट इंडिकेट्स अ प्लूरल थिंग, और भले ही ये प्लूरल थिंग को इंडिकेट कर रहा हो लेकिन ये नाउन एक ही है, लाइक प्रीमाइसिस. इस तरह से ये ग्रुप वन में आता है. इसी तरह से ग्रुप टू है हमारा कौन सा? दीज लुक्स लाइक प्लूरल बट आर नॉट एक्चुअली, बट आर यूज्ड, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे न्यूज, जैसे इनिंग्स. न्यूज, नाउ व्हाट इज न्यूज? दिस एस, हमें ऐसा लगता है कि ये एस इज नथिंग बट अ प्लूरल साउंड. इनिंग्स, दिस एस इज नथिंग बट अ प्लूरल साउंड. बट ये सारे क्या होते हैं? ये आते हैं इकलौती एक ग्रुप में, एक ही कैटेगरी के साथ में. आगे बढ़ते हैं. एज आई सेड कि हमारा जो बिहेवियर ऑफ नाउन है वो बहुत सारी जगहों पे डिस्क्राइब्ड है. नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा थर्ड ग्रुप, और ये क्या होता है? दीज आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर यूज्ड एज प्लूरल्स एज दे आर द फैमिली ऑफ कलेक्टिव नाउन. ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप हमारा एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे सिंगुलर फॉर्म दिखता तो है लेकिन इसे हमें एक प्लूरल फॉर्म की तरह यूज़ करना पड़ता है. जैसे पीपल, पीपल, व्हेन वी से पीपल, हमारे पास एन नंबर ऑफ पीपल होते हैं, और ये पीपल ऑफ